बनने एक शेर और एक बंदर थे। शेर अपनी ताकत पर गर्व करता था, जबकि बंदर अपनी चतुराई पर। एक दिन शेर ने बंदर को चिढ़ाया, तुम इतने छोटे और कमजोर हो, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। बंदर ने मुस्कुराकर कहा, ताकत नहीं, चतुराई से जीत हासिल की जाती है। शेर ने हंसकर कहा, ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारी चतुराई। बंदर ने शेर को एक तंग घाटी में ले जाकर कहा, यहां से निकलो, अगर तुम सचमुच मजबूत हो। शेर ने अपनी पूरी ताकत से घाटी की दीवारों पर हमला किया, लेकिन वह निकल नहीं पाया। बंदर ने ऊपर से पत्थर फेंककर शेर को घायल कर दिया। शेर ने समझ लिया कि बंदर की चतुराई ने उसे हरा दिया है। वह बंदर के पास गया और कहा, तुम सचमुच चतुर हो, मैं तुमसे सीखूंगा। बंदर ने कहा, चतुराई और ताकत दोनों ही जरूरी है, एक दूसरे की ताकत का सम्मान करो। शेर और बंदर ने दोस्ती कर ली और साथ में रहने लगे। शेर ने बंदर को अपनी ताकत का उपयोग करना सिखाया, जबकि बंदर ने शेर को अपनी चतुराई का उपयोग करना सिखाया। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आया। एक बड़ा हाथी जंगल में आया और सभी जानवरों को डराने लगा। शेर और बंदर ने मिलकर हाथी को हराने का फैसला किया। शेर ने अपनी ताकत से हाथी पर हमला किया, जबकि बंदर ने अपनी चतुराई से हाथी की आंखों में मिट्टी डाल दी। हाथी अंधा हो गया और शेर ने उसे हरा दिया। जंगल के सभी जानवर शेर और बंदर की बहादुरी से प्रभावित हुए। उन्होंने शेर और बंदर को जंगल के रक्षक बना दिया। शेर और बंदर ने साथ में जंगल की रक्षा की और सभी जानवरों को सुरक्षित रखा। उनकी दोस्ती और साथ में काम करने की भावना ने जंगल को एक सुरक्षित और खुशहाल स्थान बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती और साथ में काम करने से बड़े चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। एक दिन जंगल में एक बड़ा सूखा पड़ा। सभी जानवर पानी की तलाश में परेशान हो गए। शेर और बंदर ने मिलकर पानी की तलाश शुरू की। बंदर ने अपनी चतुराई से एक पहाड़ी पर चढ़कर देखा, जहां से एक नदी दिखाई दे रही थी। शेर ने अपनी ताकत से पहाड़ी पर चढ़कर नदी तक पहुंच गया। उन्होंने नदी का पानी जंगल तक पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई। शेर ने अपनी ताकत से पत्थर और लकड़ियां इकट्ठा की, जबकि बंदर ने अपनी चतुराई से एक नहर बनाई। नहर बनाने के बाद पानी जंगल तक पहुंच गया। सभी जानवरों ने शेर और बंदर को धन्यवाद दिया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। शेर और बंदर की दोस्ती और साथ में काम करने की भावना ने जंगल को एक बार फिर से सुरक्षित और खुशहाल स्थान बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती और साथ में काम करने से बड़े चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।